हेलो एवरीवन, आज के ओपनिंग बताने से पहले जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में आउटलुक देखना हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। आइए देखते हैं आज का बाजार। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को 15,650 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है जबकि 15,800 रेजिस्टेंस का काम करेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को 34,600 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है जबकि 35,500 रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखते हैं आइडियाज फॉर द डे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे कॉल्स की। कैश इंट्राडे में आप LTI बाय कर सकते हो एट 4047, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 4000 पर, टारगेट रख सकते हो 4098 पर। स्टॉक अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रहा है जो लगभग 4047 लेवल्स पर है। अगर ब्रेकआउट देने में सक्षम है और स्टॉक में बाइंग की तुलना में इसे ऊपर बनाए रखते हैं। डेरिवेटिव फ्यूचर कॉल इंट्राडे की बात करें तो आप RBL बैंक फ्यूचर बाय कर सकते हो एट 221, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 219 पर, टारगेट रख सकते हो 223 पर। डेली चार्ट्स पर स्टॉक में देखी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन फॉर्मेशन, आने वाले सेशन में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। कॉल्स जो आपको 31 मई को बताई थी कि आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय कर सकते थे बिटवीन 2,223.5 टू 2,225 के बीच, टारगेट रख सकते हो 2,300 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 2,140 पर। उसके अनुसार टारगेट अचीव हो गया है एट 2,300। SGX निफ्टी की बात करें तो SGX निफ्टी इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव ओपनिंग का इंडिकेशन दे रहा है। SGX निफ्टी 36.65 पॉइंट्स बढ़कर 15,789.80 लेवल्स पर है। ये 7:52 AM के हिसाब से अपडेट है। आज के स्टॉक एंड न्यूज देखते हैं तो सबसे पहले है येस बैंक, मयूर यूनिकोटर्स, JSW स्टील। येस बैंक की बात करें तो येस बैंक के बोर्ड ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, मीडियम टर्म नोट सहित डेट सिक्योरिटीज को इश्यू करके 10,000 करोड़ रुपए तक के अमाउंट के लिए इंडियन या फॉरेन करेंसी में बोरिंग या रेजिंग फंड्स के लिए शेयर होल्डर्स की मंजूरी लेने पर विचार किया और मंजूरी दे दी है। मयूर यूनिकोटर्स की बात करें तो कंपनी ने 2 रुपए पर इक्विटी शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। JSW स्टील की बात करें तो मई में क्रूड स्टील प्रोडक्शन 10% बढ़कर 13.67 लाख टन्स हो गया है। आज के रिजल्ट्स देखते हैं। सो BEML, भेल, CG पावर, कोचिन शिपयार्ड, DLF, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, गोवा कार्बन और सन टीवी आज अपने मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस करेंगी। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो सबसे पहले यूएस मार्केट्स डाउ जोन्स के साथ मिले जुले बंद हुए और करीब 300 पॉइंट्स की तेजी के साथ फ्लैट बंद हुआ, जबकि नैसडैक 100 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद हुआ है। 2008 के बाद से इन्फ्लेशन हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है, हिटिंग 5%, जिससे बॉन्ड यील्ड्स भी 1.63% हिट होते हुए नजर आया है। एशियन मार्केट्स के बारे में बात करते हैं। सो एशियन मार्केट्स साउथ कोरियन और ताइवान मार्केट्स के नेतृत्व में हरे रंग में कारोबार कर रहे थे क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बढ़त रिपोर्ट की गई थी। जापानीज निकाई ने भी शुरुआती कारोबार में लगभग 100 पॉइंट्स प्राप्त किए। चाइनीज स्टॉक्स एक्शन में होंगे क्योंकि बाजार बढ़ती यील्ड्स के रिएक्शन का इंतजार कर रहा है जो ग्लोबल लेवल पर एक राइपल इफेक्ट देख सकता है। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो इसके लिए हमारे 5 पैसे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 5 पैसा में आप आपकी इन्वेस्टमेंट आसान और फायदेमंद बना सकते हो। थैंक यू।